स्वागत है रोशना। आज हम आपको ऐसे पांच गुण कुत्ते के बताएंगे, जिन गुणों को अगर कोई पुरुष अपना लेता है तो निश्चित रूप से अपनी औरत को, स्त्री को संतुष्ट रख सकता है आजीवन। समझ रहे हैं ना आप लोग? सबसे पहले तो एक कुत्ते का जो गुण होता है वो होता है संतुष्टि का। संतुष्टि का पहला गुण होता है कि आप प्रेम के साथ में जो उसको दे देंगे उससे वो संतुष्ट हो जाएगा। खाने को, पीने को, बैठने के लिए हल्ला नहीं काटेगा, डिमांड नहीं करेगा फालतू के। दूसरा, इसी प्रकार से आपको अपने आपकी पत्नी जो भी आपको प्रेम से भोजन बना के दे रही है, सेवा कर रही है, कपड़े धो रही है, इन सब में आपको संतुष्ट होना चाहिए और कभी तुलना नहीं करना चाहिए और की औरतों से। कभी मत करना तुलना। तुलना करने से ईर्ष्या पैदा होती है, वैर भाव पैदा होता है, तनाव पैदा होता है, क्लेश पैदा होता है। तो संतुष्ट रहना सीखो अपने पत्नी के प्रेम पूर्ण जो भी वो आपके लिए उपस्थित कर दे। नाक मुँह मत समेटो, ऐसी चाय बनाई, वैसी चाय बनाई, इससे क्या है तकरार, तुम खुद बना के पी लो या उसे सिखा दो बेचारे के लिए, है ना? यह है कहानी। दूसरा गुण है कुत्ते का सतर्कता, अलर्टनेस, सतर्क रहता है, चौकन्ना रहता है। ठीक इसी प्रकार से आपको भी अपने पारिवारिक जीवन में चौकन्ना रहने की आवश्यकता है कि कहीं कोई गलत आदमी आके तुम्हारी औरत से सेटिंग ना कर ले। अगर किसी ने सेटिंग कर ली या तुम्हारी औरत कहीं सेट हो गई तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। चौकन्ने रहना है। यहाँ पर मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि आपको अपनी पत्नी के प्रति अविश्वास पूर्ण रहना है, है ना? अविश्वास पूर्ण रहने की बात नहीं, लेकिन चौकन्ना रहने की। पता नहीं आपकी पत्नी सीधी है कि भोली है या लालची है, और कोई लालच दे करके, कोई मीठी मीठी बातें करके, कोई गिफ्ट करके, बहुत सारी बातें हैं, कहीं वो फंसा ना ले। और अगर फंस गई एक बार तुम्हारे नीचे से, अगर एक बार दूसरे के नीचे चली गई तो समझो तुम्हारा लाखों करोड़ों अरबों का रुपया हो गया बर्बाद। तो आपको सतर्क रहने की भी आवश्यकता है कि कोई चोर टाइप का, छिनरा टाइप का पुरुष आपकी स्त्री के संपर्क में ना पहुंच जाए, या फिर तुम्हारी स्त्री किसी ऐसे पुरुष के टच में ना पहुंच जाए। थोड़ा नज़र रखने की जरूरत है, ध्यान रखने की आवश्यकता है। तीसरा है एक वफादारी। वफादारी होना बहुत आवश्यक है। अगर जो भी आप करें, अच्छा या बुरा, पत्नी को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर के करना चाहिए, ताकि उसका मन ना टूटे, ताकि उसके मन में आक्रोश पैदा ना हो, असंतोष पैदा ना हो। क्योंकि असंतोष से आवेश पैदा होता है, आवेश से अराजकता पैदा होता है, और अराजकता अपराध ही बना देती है। तुम्हारे जीवन में तांडव हो सकता है, भयानक युद्ध छिड़ सकता है पारिवारिक जीवन में। तो वफादारी बना करके रखिए। अगर आप जो भी कर रहे हैं, अगर वो आप अपनी पत्नी को बता के कर रहे हैं, तो बहुत कम चांस होंगे कि तुम पतित हो जाओ कहीं इधर उधर, और आपकी पत्नी भी आपसे खुश रहेगी, है ना? तो अपने परिवार के प्रति, जिम्मेदारियों के प्रति वफादार रहिए, अपने बाल बच्चों के प्रति, सेक्स पार्टनर के प्रति। एक गुण है चौथा जो है वो वीरता का गुण है। कुत्ता बहुत वीर होता है ना,
वफादार भी होता है, ऐसे वो वीर भी होता है, बहादुर भी होता है। कुत्ता अपने घर में किसी अनजान व्यक्ति को नहीं आने देता है। अनजान लोगों के आने पर वो तत्काल युद्ध छेड़ देता है। ठीक इसी प्रकार आपकी पत्नी की अस्मिता पे, सम्मान पे, सुरक्षा में कोई खतरा पैदा हो रहा है तो आप अपनी पत्नी के लिए युद्ध छेड़ दो। उसकी सुरक्षा के लिए आप अपना जीवन दांव पे भी डाल सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी पत्नी या पार्टनर का दिल जीत लेंगे। और साथ में एक पांचवा गुण निकल के आता है। पहले चौथा पीरता है, आप अपने परिवार के लिए कितने वफादार हैं। वफादार होंगे तो वीर भी होंगे, आप कुछ भी कर सकते हैं अपने परिवार की रक्षा के लिए, है ना, पत्नी की रक्षा के लिए। पांचवा गुण है संतुष्टि। अगर आप अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हो, उसको जो खाने को दे रहे हो, जो पहनने को दे रहे हो, जो जीवन में जीने के लिए आवश्यकताएं होती हैं, आवश्यक सामग्री, वस्तु, साधन होते हैं, अगर वो आप नहीं जुटा पा रहे हैं तो भी आप पत्नी के प्रेम को नहीं जीत पाएंगे, दिल को नहीं जीत पाएंगे। मानसिक रूप से उसकी भावनाओं को समझने की भी कोशिश करो। और शारीरिक रूप से एक सबसे बड़ी, एक इनमें से एक चीज़ आ रही है निकल के। एक महात्मा ने हमसे पूछा था कि औरत किससे खुश होती है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है ये सारे गुण मर्द के अंदर हो, लेकिन फिर भी बड़े बड़े घराने की औरतें भाग जाते हैं रिक्शा चलाने वालों के साथ, मजदूरों के साथ। आखिर क्यों? एक चीज बचती है जो चाणक्य ने कही है, वो पांचवी चीज ये है। सब साधन देने के पश्चात भी अगर तुम लिंग से कमजोर है, लिंग तुम्हारा पिलपिला है, लपलपा है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो औरत तुम्हारी कभी बेटा संतुष्ट नहीं होगी। ये पांचवा सबसे खतरनाक टिप्स बता रहा हूँ। एक महात्मा ने हमसे पूछा था, जब हम कमंडल वाले महाराज थे, जंगलों में, सनगरों में नंगे पैर भी भटकते थे, तो उसने पूछा था हमसे, बोले ब्रह्मचारी जी ये बताओ औरत किससे संतुष्ट होती है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे कोई अनुभव नहीं है। तो उन्होंने कहा कि खर खर लिंगो दंडाकारा चिरकाले मैथुना एतत् नारी प्रसन्न भवेत् न सूरो न पंडिता। खर गधे की तरह, लिंगो लिंग होना चाहिए गधे की तरह, दंडाकार और डंडे की तरह स्ट्रांग हो, कमजोर पिलपिला ना हो, डंडे की तरह सीधा हो, स्ट्रांग हो, गधे की तरह मोटा हो, खर लिंगो दंडाकार हो, चिरकाले मैथुना और लंबे समय तक सेक्स करने वाला हो, लंबी रगड़ करने वाला हो। ये तो नारी प्रसन्न भवेत न सूरो न पंडिता। इससे नारी प्रसन्न होती है और इससे ना तो विद्वान से खुश होती है, ना पहलवान से खुश होती है और ना धनवान से खुश होती है। बहुत ही है जो लंबी बैटिंग करता है। आपको मैंने ये वीडियो आपको सुना दिया, इसको देखो और सुने। एक बात और, महिलाएं भी एक दूसरे का ध्यान रखें, ध्यान रखिएगा एक दूसरे का, सब ध्यान रखें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। ओम शक्ति ओम क्रांति ओम। वीडियो शेयर करें ताकि समाज में जागरूकता पैदा हो।